गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स वेलकम टू द एस पी स्मार्ट हाइब्रिड स्कोरिंग सिस्टम स्टूडेंट्स टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ अकाउंट्स दिस टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर रिपेयरिंग फॉर सी यू ई टी एग्जाम बच्चे टॉपिक का नाम है डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम आपने ये टॉपिक सी यू टी के सिलेबस में देखा होगा तो आपको कन्फ्यूज़न हो रही होगी कि टॉपिक में हमने मेन मेन पढ़ना क्या है क्योंकि बच्चे टू और थ्री क्वेश्चन इस टॉपिक से आने के चांसेस हैं तो या तो आपके पास चॉइस है कि आप लीव कर सकते हो इसको अगर हमने करना है तो इसको एक शॉर्ट वीडियो में समझ लेते हैं कि एक्चुअली इसमें क्या क्या कंटेंट होता है और क्वेश्चंस किस तरह से आते हैं क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो बाई चांस कोई ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए जो हमारे लिए बेटर रहे तो इस चैप्टर को छोड़ना अच्छी बात नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए हमें इसको अटम्प्ट करना चाहिए तो आपको ये वीडियो ध्यान से समझनी है और ध्यान से देखनी है इसमें जो मेन मेन पॉइंट्स हैं बच्चे वो सारे डिस्कस कर दिए जाएंगे आपसे ठीक है सबसे पहले बात करते हैं डाटा बेस क्या होता है सबसे पहले बात करता हूँ मैं डाटा बेस की तो डाटा बेस का मतलब हो गया बच्चे ऑर्गेनाइज कलेक्शन ऑफ डाटा सो दैट इट कैन बी इजिली एसेस एंड मैनेज डाटा को ऑर्गेनाइज़ तरीके से कलेक्ट करके रखो कि उस डाटा को जब ज़रूरत होगी उसको हम आसानी से एसेस कर सकें आसानी से मैनेज कर सकें ठीक है बच्चे उसको हम बोलते हैं डाटा बेस बेसिकली डाटा को हम वेल well तरीके से ऑर्गेनाइज करने के लिए टेबल्स बना सकते हैं रोस में लिख सकते हैं बच्चे कॉलम्स में लिख सकते हैं इनको हम इंडेक्स में लिख सकते हैं कि इससे जो डाटा है वो आसानी से एस किया जा सके मैनेज किया जा सके मतलब जब हमें रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी वो इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाएगी ठीक है तो ये हो गया हमारा डाटा बेस नेक्स्ट बन बच्चे डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम जो टॉपिक का नाम है डी बी एम एस बोलते हैं इसको बच्चे डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका मतलब कोई ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम होगा यहाँ पे डाटा सारा क्रिएट करके कर कर रखा होगा हमने मेंटेन करके कर रखा होगा कि जब यूज़ करना होगा हम यूज़ कर सकते हैं तो बच्चे सही बोला आपने कि ये एक सॉफ्टवेयर पैकेज होता है एक कदम सॉफ्टवेयर है यहाँ यहाँ पे सारा डाटा क्रिएट किया जाता है मेंटेन किया जाता है उसको यूज़ किया जाता है तो इस सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते है? DBMS. तो DBMS creation, हैं डी तो डी बी एम एस इज़ ए सॉफ्टवेयर पैकेज विद कंप्यूटर प्रोग्राम्स दैट कंट्रोल द क्रिएशन मेंटेनेंस एंड यूज़ ऑफ़ डाटा ठीक है डी बी एम एस की एग्जाम्पल्स ले लेते हैं ओरेकल हो गया आई बी एम डी बी टू हो गया बच्चे माइक्रोसॉफ्ट एस क्यू एल सर्वर हो गया माई एस क्यू एल एल माई एस क्यू एल हो गया तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं बच्चे डी की तो डी बी एम से क्या हो गया सर एक सॉफ्टवेयर हो गया यहाँ पे सारा डाटा जो होगा प्रॉपर तरीके से पड़ा होगा मेंटेन होगा क्रिएट होगा जब हम यूज़ करना चाहें उसको यूज़ कर सकते हैं ठीक है नेक्स्ट टॉपिक है बच्चे डाटा बेस सर्वर अब डाटा बेस सर्वर क्या हो गया तो देखिए इन्होंने लैंग्वेज क्या लिखी है कि डाटा बेस अ, सर्वर आर कंप्यूटर्स यूज टू स्टोर एंड मैनेज द डाटा बेसिस दैट आर स्टोर ऑन सर्वर एंड प्रोवाइड डाटा एसेस फॉर एथराइज यूजर्स मेन टू से सर एक मेन सर्वर होगा जिसमें सारा डाटा पड़ा होगा ठीक है इस डाटा से जिन जिन को भी एथराइज यूजर्स को ठीक है कोई भी एथराइज यूजर्स हैं उनको कोई भी डाटा चाहिए होगा वो इससे एसेस करेंगे ठीक है इसको बोलते हैं डाटा बेस सर्वर तो यहाँ पर यही लैंग्वेज लिखी है डाटा बेस सर्वर आर दूटर यूज टू स्टोर एंड मैनेज डाटा बेसिस दैट आर स्टोर ऑन दर्वर सर्वर सर्वर में स्टोर होगा एंड प्रोवाइड डाटा एस फॉर द डिफरेंट यूजर्स ये यूजर्स हो गए इन तक डाटा पहुंचाया जाएगा इसी को बोलते हैं डाटा बेस सर्वर नेक्स्ट टॉपिक आगे बच्चे डाटा कैन बी ऑर्गेनाइज इन टू टाइप्स डाटा कितनी तरह से ऑर्गेनाइज किया जा सकता है सिर्फ दो तरीके से किया जा सकता है कौन कौन से हैं बच्चे फ्लैट फाइल फ्लैट फाइल और रिलेशनल फ्लैट फाइल में क्या होता है बच्चे फ्लैट फाइल में हमें याद रखना है कि सिंगल टेबल होगा मतलब एक सिंगल सर्वर है ठीक है इससे हम डिफरेंट डिफरेंट सर्वर से एक्सेस कर सकते हैं ठीक है उसको बोलते हैं फ्लैट फाइल इसमें बेसिकली लेस अमाउंट ऑफ डाटा होता है उसको हम बोलते हैं बच्चे फ्लैट फाइल रिलेशनल में क्या होता है कि एक दो तीन इससे ऐसे डिफरेंट डिफरेंट तरह के सर्वर्स होंगे वो आपस आप में लिंक्ड होंगे अगर इसमें डाटा चेंज करता हूँ इसमें भी हो जाएगा इसमें चेंज करता हूँ इसमें भी हो जाएगा मतलब ये आपस में लिंक्ड होंगे ठीक है वो रिलेशनल आ गया आई होप आपको समझाया होगा अब मैं बात करता हूँ आर डी बी एम एस रिलेशनल डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम सेम आगे बच्चे मैंने बताया आपको डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं ठीक है इंटरलिंक्ड होंगे ये लिंक्ड होंगे दूसरे के साथ इसमें बच्चे आपने एक चीज़ याद रखनी है ये सारे जो डाटा होगा ना वो टेबल्स की फॉर्म में होगा तो अगर ऑब्जेक्टिव आता है कि आर डी बी एम एस में डाटा कैसे स्टोर होता है तो आप लिखोगे टेबल्स की फॉर्म में स्टोर होता है ठीक है इसमें रोज़ को ना बच्चे टपल्स बोला जाता है टी यू पी एल ई एस ठीक है टपल्स बोला जाता है और रिलेशन को टेबल बोला जाता है या टेबल्स को रिलेशन बोला जाता है तो ये दो चीज़ आपने याद रखनी है ठीक है अब बच्चे एडवान्टेज की बात कर दूँ तो लिखा हुआ है नो चांस ऑफ एनकाउंटरिंग डुप्लीकेट डाटा मतलब यहाँ पर डुप्लीकेट डाटा नहीं आ सकता शेयरिंग ऑफ डाटा डाटा आसानी से शेयर किया जा सकता है डाटा इंटीग्रिटी डाटा की इंटीग्रिटी होती है डाटा एक्यूरेट होता है डाटा कंसिडेंट होता है डाटा सिक्योरिटी डाटा यहाँ पे पूर्ण तरीके से सिक्योर होता है क्योंकि यहाँ पे डाटा दूसरे इंसान को दिया जाता है वो एथोराइज पर्सन होता है वो एथोराइज यूजर होता है तो एथराइज यूजर्स को भी मिलने के लिए प्रॉपर यूजर नेम्स होते हैं पासवर्ड होते हैं उसी तरीके से होता है यहाँ पे ठीक है पूरी तरीके से प्राइवेसी है क्योंकि यहां पे डाटा एथ्राइज यूजर्स के पास ही जाएगा और सबसे इंपॉर्टेंट का एडवांटेज है कि बैकअप है रिकवरी है आप डाटा को रिकवर कर सकते हो बैकअप ले सकते हो इसका अब डाटा बेस के कुछ कंसेप्ट बच्चे बात कर लेते हैं जैसे टेबल हो गया कॉलम एंड फील्ड्स हो गया रो रिकॉर्ड्स एंड टपल्स हो गया आइटम हो गया तो टेबल आपको पता ही है ये जो आप टेबल क्रिएट करते हो रोज और कॉलम्स बनाकर उसको हम टेबल कहते हैं ठीक है बच्चे इनको हम क्या कहते हैं टेबल्स अच्छा तो बच्चे ये जो हमने बनाए ये ये कॉलम हो गए ठीक है तो ये जी मैं क्रिएट कर रहा हूँ ये कॉलम्स हो गए रोज बन गई ये वाली इसको रोज बोलते हैं रोज बोलने रिकॉर्ड्स बोलें टपल्स बोलें ठीक है ये रोज़ बना रहा हूँ ये इस चीज चे, स्टेट जो बन रही है ये रोज होगी ठीक है आइटम बच्चे होगी कि आप कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहे हो टेबल में जैसे मैं आपके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स के रिलेटेड तो स्टूडेंट्स क्या होगी आइटम होगी ठीक है वैल्यू होगी जो एक्चुअल टैक्स लिख रहे हैं हम वो वैल्यू होगी एक्चुअल टैक्स लिख रहे हैं जो नंबर लिख रहे हैं ठीक है वो क्या होगी वैल्यू होगी अच्छा की फील्ड क्या होगी की फील्ड हो गया कि एक ऐसी वैल्यू यू यूनिक यू हो की फील्ड में कहते हो एक ऐसी वैल्यू यू यूनिक यू हो यूनिक में सबसे अलग हो जैसे आपका रोल नंबर है बच्चे यूनिक है ना वो तो वो हो गया की फील्ड ठीक है अच्छा ध्यान से समझना आपने नेक्स्ट आया प्राइमरी की और फॉरेन की अब प्राइमरी की क्या होगी बच्चे प्राइमरी की इज ए यूनिक वैल्यू दैट आइडेंटिफाइज ए रो इन ए टेबल ये भी एक यूनिक वैल्यू होगी हो कि जिसमें आप एक टेबल में आसानी से इस नंबर को फाइंड कर सकते हो ठीक है इससे आपके रोल नंबर बता दिए मैंने आपको ठीक है तो ये प्राइमरी की होगी बस आपने याद रखना इसकी वैल्यू जो होगी ना वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगी मतलब नल नहीं होगी ठीक है फॉरन की क्या होगी जैसे ये मेन सर्वर हो गया इस सर्वर से डिफरेंट डिफरेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पहुँचाई जा रही है जैसे यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर लिखे हैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखे जा रहे हैं यहाँ पे उसकी क्लास लिखी जा रही है यहाँ पे उसके सब्जेक्ट्स लिखे जा रहे हैं तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स पे जो चीज़ें हो रही हैं मेन सर्वर से उसको हम बोलते हैं फ़ॉरन की फ़ॉन की क्या होगी ये ये जो डिफरेंट डिफरेंट सर्वर्स हैं ये फ़ॉरन की होगी ठीक है बच्चे तो फ़ॉरन की इज़ ए फील्ड इन वन टेबल कॉलम दैट रेफर टू द प्राइमरी की इन दी अनदर टेबल कॉलम अब बच्चे डाटा कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है ये भी इंपॉर्टेंट है या डाटा टाइप्स कितनी होती हैं डाटा टाइप्स बच्चे पांच कैटेगरीज में डाटा डिवाइड किया जाता है न्यूमेरिकल डाटा न्यूमेरिकल डाटा होगा नंबर में जैसे वन टू थ्री ठीक है अल्फा नूमेरिकल हो गया अल्फाबेट भी होगा प्लस नंबर्स भी होंगे ठीक है बाइनरी टाइप्स में आगे फोटो म्यूजिक डाटा टाइम में आ गया डाटा एंड टाइम और अदर वेरिए वेरिएबल टाइप्स में आ गया बच्चे ये जावा ऑब्जेक्ट्स ठीक है या मैं इतना डिटेल में नहीं पढ़ना खाली हमें मेन में, में पॉइंट याद जा, रखने इसकी अब बच्चे बात करते हैं टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज़ की जाती हैं बच्चे दो तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती हैं एक को हम कहते हैं डी डी एल डी का मतलब हो गया डाटा डेफिनेशन या डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज डी का मतलब हो गया डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज या डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज अब डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में क्या करते हैं बच्चे डाटा डिस्क्रिप्शन लैंग्वेज में हम स्ट्रक्चर पे ध्यान देते हैं स्ट्रक्चर होगा कितने रोस बनेंगे कितने कॉलम्स बनेंगी ठीक है उस पर ध्यान दिया जाता है उसको क्रिएट किया जाता है ऑल्टर किया जाता है ड्रॉप किया जाता है मतलब हम क्रिएट कर सकते हैं मॉडिफाई कर सकते हैं डिलीट कर सकते हैं तो वो हो गया हमारा डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज जिसमें हम बेसिक फोकस होता है वो स्ट्रक्चर पे होता है तो इट इज़ स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स दैट डिफाइन द डिफरेंट स्ट्रक्चर इन द डाटा ये डाटा के स्ट्रक्चर की बात करती है डी डी एल स्टेटमेंट्स क्रिएट मॉडिफाइड एंड रिमूव द डाटा बेस ऑब्जेक्ट एज टेबल्स इंडेक्सिस एंड यूजर्स ठीक है बच्चे नेक्स्ट आया डाटा मैन्यूपलेशन लैंग्वेज डाटा मेनुपलेशन लैंग्वेज होगी कि अब आपने टेबल्स रॉस बना दिए उसके अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उनको मैनुपुलेट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाती है उसको बोलते हैं डाटा मैनुपलेन लैंग्वेज ठीक है हम कह सकते हैं इट इज़ द स्टैंडर्ड फॉर कमांड्स दैट एनेबल्स यूजर टू एसेस एंड मैनुपलेट डाटा इन द डाटा बेस कि क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है क्या चीज़ इंसर्ट करनी है क्या चीज़ डिलीट करनी है क्या चीज़ अपडेट करनी है वो सारा हमारा डाटा मैन्युपलेशन लैंग्वेज में आ जाता है ठीक है बच्चे आप देखिए डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ कहाँ कहाँ हो रहा है बच्चे तो इम्पोर्टेंट है आपको याद रखना है बैंकिंग में यूज़ हो रहा है इन्वेंट्री में यूज़ हो रहा है ऑनलाइन हाँ शॉपिंग में यूज़ हो रहा है हेल्थ केयर में यूज़ हो रहा है फिर देखो पॉइंट है कि फर्स्ट डीबीएमएस किसने क्रिएट किया था बच्चे चालीस बैचमैन हैं चालीस बैचमैन ने क्रिएट किया था ये कुछ मैंने इम्पॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए जो सी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉटेंट थे तो होप आप सबको समझ आई होगी तो बच्चे डी बी एम एस में से दो या तीन क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं तो आप इसको वीडियो को देखोगे तो आपको बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे तो डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे जो आपको सी यूट्यूब में हेल्प करेंगे थैंक यू स्टूडेंट्स